बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, एक्सप्रेसो ट्यून कर चुके हैं। ये है अरमला हसन और ये है इमरान हसन और हम वीकेंड के बाद आए हैं। कितनी खुशी हो रही है मुझे, तीन खुशी नहीं गम होना चाहिए। वीकेंड खत्म हो गया, वीकेंड ये एक जाएगा तो और आज से अगले वीकेंड का काउंट डाउन स्टार्ट हुआ चाहता है हमारे स्टूडियोज में भी। और यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग जो ऑफिस जाते हैं उनका भी यही मसला है बेचारे। अच्छा, लेकिन लड़के और लड़कियां और बच्चे और बच्चियां बहुत खुश हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, कॉलेजेस बंद हो गए हैं। कोरोना की थर्ड वेव इज वेरी डेंजरस। अभी हम यही बात कर रहे थे कि जो तीसरी वेव इस वक्त चल रही है वो बहुत खतरनाक है और ये ऑफिशियल नहीं है लेकिन रिपोर्टेडली इसमें डिफरेंट स्ट्रेन भी ऐड हो चुके हैं, जैसे कि हमने बात भी की थी अपने शोज में यूके। आज हम इसकी कंफर्मेशन भी करेंगे अपने शो पे, क्योंकि नॉर्मली जब हम बात कर रहे थे कि थर्ड वेव आ गई, अब चूंकि रेस्टोरेंट वगैरह आउटडोर डाइनिंग वगैरह सब बंद हो चुका है, सो आपने एहतियात लाजमी करनी है। मुझे अब बहुत सारे इर्द गिर्द से इमरान सुनने में आ रहा था कि फलाने को हो गया कोविड या दोबारा से हो गया, सो आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और इस पे हम मजीद भी शुरू आगे तक। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि गवर्नमेंट स्कूल से छुट्टियां देती है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें और आप लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं, छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, आप अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग पे माइल जरूर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें ताकि आप भी महफूज रहें और कम अज कम आपसे भी ज्यादा वो लोग महफूज रहें जिनकी जान को ज्यादा खतरा हो सकता है। और वैक्सीनेशन के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जो 60% जो 60 साल की उम्र से जायद अफराद है, तकरीबन सिर्फ 10% ऐसे अफराद है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। कल असद उमर साहब एक इंटरव्यू में बता रहे थे, तो ये भी एक अजीब बात है, ज्यादा होना चाहिए। और उनका ये कहना था कि हम आइंदा कुछ दिनों में 50 साल से जायद जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे, तो 60 साल से जो जायद लोग उन्हें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। लेकिन वो ये बात इमरान, बहुत सारे लोग रिलक्टेंट भी है और बहुत सारी रीजन भी है उसकी, कुछ जाहिर इस एज में लोगों को कन्विंस करना भी, उनकी सेहत ऑलरेडी उस तरह से रेस्ट पे होती है तो फिर वो इस तरह के कोई मामला तो, बट स्टिल अगर गवर्नमेंट कह रही है, डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं, तो तमाम लोगों को रजिस्टर करना चाहिए और वैक्सीनेशन करनी चाहिए, करवानी चाहिए। साली सीरियस सीरियस बातें नहीं होंगी, बहुत कुछ होगा। दिस इज द फर्स्ट शो, तो हमारी कोशिश होती है कि थोड़ा सा लाइट रखे अपने लिए भी आपके लिए भी, तो इंशाल्लाह कुछ बहुत अच्छा होगा। बहुत जबरदस्त मौजूदात आज के शो का हिस्सा है, डिफरेंट सेगमेंट से इस पे बात करेंगे। येट स्टार्ट कर लेते हैं आज की हेडलाइन। सियासी यतीमों का पहला फेज मुकम्मल नाकाम हुआ, अपोजिशन लॉन्ग मार्च मंसूख करके मुल्की मफाद में फैसले करे, वफाकी वजीर इत्तला'आत शिबली फराज। नैब की इंतकामी कार्रवाइयां जाली हुकूमत के इख्तदार को नहीं बचा सकती, मौलाना फजलुर रहमान का मरियम नवाज के खिलाफ नैब दरखास्त पर रद्द अमल। कोरोना की तीसरी लहर ने मुल्क भर में खतरे की घंटी बजा दी, मस्बत केसेस की शरह 6% से जायद हो गई। बड़ी आंख के कैंसर की अलामत और तरीका इलाज पर बात करेंगे डॉक्टर ताबिश चावला से। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में मुस्तंसर हुसैन ताड़ साहब से बात करेंगे उनकी किताब फरामोश नाकाबले फरामोश पर। सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राणा लेकर जाएंगी जश्न बहारा फेस्टिवल में लगे रंगारंग मेले में। और मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं बारिश और कहीं बर्फ।